तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे क्या पूछा गया है। अ पर्सन वॉज स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल क्लिफ्स सच दैट ही वॉज 640 मीटर अवे फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ। वैन ही शाउटेड ही हियर द फर्स्ट एको आफ्टर 4 सेकेंड एंड द सेकेंड एको 3 सेकेंड लेटर। कैलकुलेट। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है एयर में, उसके बाद हमें बताना है कि दोनों क्लिफ के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, एक पर्सन है दो वर्टिकल क्लिफ के बीच में खड़ा है। तो ये पर्सन है, यहाँ पे दो वर्टिकल क्लिफ हो जाएगी, ये हमारे दो चट्टान हो गई, इसके बीच में खड़ा है, और जो पास वाली चट्टान है उसकी दूरी यहाँ पे कितनी है, 640 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो पास वाली चट्टान की दूरी है वो यहाँ पे कितनी होगी, 640 मीटर होगी, और दूसरी चट्टान की दूरी ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 640 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 640 मीटर। इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, क्लिफ ए है, एंड ये हमारे यहाँ पे क्या है, क्लिफ बी है, दूसरी चट्टान। तो यहाँ पे लिखा है, पहली एको उसने 4 सेकंड बाद सुनी और दूसरी यहाँ पे उसके 3 सेकंड बाद। तो यहाँ पे पर्सन खड़ा है, इसने यहाँ पे क्या करा, साउंड प्रोड्यूस करी, और इसके बाद यहाँ पे इसने एको सुनी। 2 सेकंड इसको यहाँ पे ट्रैवल करने में लगेगा और 2 सेकंड इसको वापस आने में लगेगा, तो टोटल 4 सेकंड का समय लगा। पर जो हम यहाँ पे टाइम लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे किसका लेके चलेंगे, 2 सेकंड का लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे साउंड टकराने में यहाँ पे कितना टाइम लगेगा क्लिफ से, 2 सेकंड का समय लगेगा। तो मैं यहाँ पे ए वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ, तो इसमें जो हम यहाँ पे टाइम लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे 2 सेकंड का लेके चलेंगे, और हमें यहाँ पे निकालना क्या था, स्पीड निकालनी थी, और स्पीड का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो पहले वाले क्लिफ की जो यहाँ पे डिस्टेंस थी वो हमारे यहाँ पे कितनी थी, 640 मीटर थी। तो आराम से हम निकाल लेंगे 640 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 320 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल गई इन एयर। तो एयर में हमारे यहाँ पे कितनी होगी, 320 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। बी वाले पार्ट में हमें यहाँ पे दोनों क्लिफ की क्या करनी है, दूरी बतानी है, मतलब दोनों चट्टान के बीच में कितनी दूरी है। तो टाइम हमें यहाँ पे टोटल टाइम कितना होगा, 4 सेकंड प्लस 3 सेकंड, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 सेकंड हो रहा है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हाफ लेंगे, तो हाफ हमारे यहाँ पे कितना होगा, 3.5 सेकंड होगा। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि 2 सेकंड तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लग रहे हैं और यहाँ पे 3 सेकंड इसको यहाँ पे लग रहे थे, तो 1.5 सेकंड जाने में लगेंगे एंड 1.5 सेकंड आने में लगेंगे। तो टाइम हमें यहाँ पे कितना लेना है, 2 प्लस 1.5, तो कितना हो जाएगा, 3.5 सेकंड हो जाएगा। तो हमें टोटल टाइम का सिंपल हाफ कर देना है, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 3.5 सेकंड हो जाएगा। डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितना लेंगे, x माइनस 640 मीटर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, हमें यहाँ पे निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालना था, और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितना है, x माइनस 640 है, स्पीड हमारे यहाँ पे कितना है, 320 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 3.5 सेकेंड का दे रखा है। तो हम यहाँ पे आसानी से निकाल पाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ x माइनस 640, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 को हमें यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 32 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 10 का 0 1 कैरी गया, 5 3 15 एंड 16, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 2 6 एंड 3 3 9, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 6 12 का 2 1 कैरी गया 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा 11, तो ये हमारा आ गया 1120। और उसके बाद एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1120 प्लस 640, तो टोटल यहाँ पे प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना होगा, 426 आ जाएगा एंड 617 आ गया, तो 1760 मीटर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे दोनों क्लिफ की दूरी है वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 1760 मीटर की दूरी है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।